गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग इन द लॉकडाउन पीरियड. ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्योल. ओके, तो आप देख रहे हैं कि फ्योल का जन्म कब हुआ था. फ्योल वॉज बॉर्न इन फ्रांस इन 1841. ओके, फिर उन्होंने क्या किया, 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग में उन्होंने क्या किया, डिग्री लिया. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन इंजीनियर. फिर क्या किया, किसी कंपनी में वो इंजीनियर एज ए इंजीनियर स्टार्ट किया वर्क करना इन द सेम ईयर. ओके, इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ओके, जब उन्होंने कंपनी का जब वो ज्वाइन किए थे कंपनी तो क्या हुआ था, कंपनी का सिचुएशन बहुत ख़राब था. कंपनी इंसॉल्वेंसी के पोजिशन में था. इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, मतलब कंपनी इतनी डेब्ट ले रखी थी कि उसको वो पे ऑफ करने के कैपेसिटी में नहीं थी. ओके, तो कंपनी का क्या पोजीशन था, वो इंसॉल्वेंट होने वाली थी. और उस समय हेनरी फ्योल क्या करते हैं, सारे अपने मैनेजरियल टेक्निक्स, जितने भी उनके पास मैनेजरियल टेक्निक्स थे, वो सारा उन्होंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया उस कंपनी को क्राइसिस से बोलो या तो फिर इंसॉल्वेंसी पोजीशन से बाहर निकालने के लिए. और आपको मैं बता दूं कि उस समय कोई भी मैनेजरियल टेक्निक्स ऐसा कुछ था भी नहीं. ओके, ही इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ एंड ही एक्सपेरिमेंटेड बाय हिमसेल्फ. मतलब उन्होंने खुद ही इन्वेंट किया वो मैनेजरियल थ्योरीज का और खुद ही अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया. ओके, अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब वो रिटायर होने लगे एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है, जब वो उस कंपनी से रिटायर हो रहे थे, तब उस कंपनी का इतना बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बैकग्राउंड था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजिशन था, एज वेल एज इट वॉज द लीडिंग कंपनी इन अ स्टील. ओके, वो स्टील प्रोड्यूस करती थी और उस समय वो उस जमाने की वो एक लीडिंग फिनेंशियल विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल पोजिशन वो लीडिंग कंपनी बन गई. ओके, तो इस तरह से कोल एंड स्टील कंपनी थी, सॉरी, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फिनेंशियल बैकग्राउंड के साथ उभर करके आई. ओके, उसके बाद से वो क्या कहलाने लगे, वो फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट कहलाने लगे. तो आप लोग हेनरी फ्योल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट क्यों बोलते हैं, उसका रीजन मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. और उनका ये जो है, ये इसका हेडिंग है मेजर कंट्रीब्यूशन. हेनरी फ्योल अभी के मैनेजमेंट वर्ल्ड में हमने उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है और उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट. उसका रीजन ये है कि मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल. उन्होंने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल के बीच में बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन किया, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया. अब क्या किया, देखिए, जो टेक्निकल है मतलब लेबर्स, सपोज जो लेबर्स हैं, ठीक है, लेबर्स, और यहाँ मैनेजरियल स्किल्स है मतलब टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, या फिर आप बोलो पॉलिसी मेकर, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया कि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया. वो बोले कि जो टेक्निकल जो काम करते हैं उनको मैनेजरियल स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो मैनेजरियल स्किल्स काम करते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है. वो दोनों को अपने अपने फील्ड में क्या होना पड़ेगा, सुपर होना पड़ेगा. और जो लेबर है वो टॉप लेवल के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो टॉप लेवल है वो लेबर के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे. दोनों का अलग अलग डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉप लेबर एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स को जो डिस्टिंग्विश करने का काम है वो इन्होंने ही किया. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग जो स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में पढ़े कि बेसिक 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, POSDC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये भी इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया है कि कोई भी मैनेजमेंट का ये जो बेसिक 5 जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, यही 5 क्या है, मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट के. इसको आइडेंटिफाई करने का काम भी हेनरी फ्योल ने ही किया है. और वो क्या बोलते हैं कि स्टेप वाइज इसको कंडक्ट करना चाहिए, पहले प्लानिंग होना चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, स्टाफिंग होना चाहिए, डायरेक्टिंग होना चाहिए एंड एट लास्ट कंट्रोलिंग होना चाहिए. अगर इसी सीरीज में चलेगा तो क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम द अबव टू, ही ऑल्सो डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट.
which act as a guidelines for managers to perform managerial activities. जब हम लोग ऊपर जो देख लिए उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, जो 14 प्रिंसिपल डेवलप किए हैं, जो कि क्या है, वो 14 प्रिंसिपल गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं किन के लिए, मैनेजर्स के लिए, ताकि मैनेजर्स जो हैं अपना जो डिसीजंस या तो फिर जो वर्क जो वो परफॉर्म करते हैं वो स्मूथली कर पाएं और इफेक्टिव उनका जो डिसीजन मेकिंग हो वो इफेक्टिव रहे. सो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको इस वीडियो को एंड करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो टू ऑल द 14 प्रिंसिपल्स.